थैंक यू कार्तिक। अरे नहीं नहीं भाभी, आप थैंक यू बोल के खामा खा मुझे हीरो बना रहे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर लक्ष्मी पे पड़ गई। लक्ष्मी की जगह कोई और लड़की भी होती ना तो मैं उसे भी ऐसे ही बचाता। काश आप जैसा सब लोग सोचे। अरे नहीं नहीं, नहीं। तुम तो खामा खा मुझे वो क्या कहते हैं वो बना रही हो, वो महान। राइट, महान। वैसे भाभी आप घर की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं कार्तिक, हमने वैसे ही तुमको बहुत लेट कर दिया है, हम चले जाएंगे। नहीं भाभी, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं लेट नहीं होऊंगा। चलिए कार्तिक, फिर तो और भी तुमको उल्टा पड़ेगा। अपनी भाभी की बात सुनो, हम ऑटो रिक्शा से चले जाएंगे, तुम जाओ। आप रुकिए। भाभी आइए। आपकी सीटी में तो दम है, एक सीटी में ऑटो रुक गया। अब चलिए चलिए आइए। कार्तिक निगम, आप तो कार्तिक है ना? भाभी आप प्लीज बैठिए, यहाँ ट्रैफिक जाम होने वाला है। थैंक यू। कार्तिक को जल्दी हमारी शादी की बात कर लेनी चाहिए। भैया भैया बस बस यही रोकना, यही रोकना। यहाँ क्यों? तो घर ही चल रही। वो ब्लाउज और साड़ी का ऑर्डर जिनको देना है ना, वो यही रहती है। तू डिलीवरी भी कर रही है? अर्जेंट ऑर्डर था, पेमेंट भी अच्छा दे रही है तो मैंने सोचा कर लूँ। अब वैसे आप चले जाइए, मैं आ जाऊंगी दीदी। 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला, तू जल्दी से जा, मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं दीदी, लेकिन बच्चे। अम्मा है घर पर, तू टेंशन मत ले, जा जल्दी से आ जाना, देर मत करना। ठीक है। संभाली खुद को। अभी हुआ क्या वैसे? क्या हुआ? कौन चीखा? मंगल और कौन? गिर गई, हमेशा का कुछ ना कुछ। मंगल ठीक तो हो ना? अम्मा मैं ठीक हूँ मासी जी। अरे दीदी, अरे अरे रहने दो। चुप भाभी। आदित्य देखो तो, चोट तो नहीं लगी ना? लगी है क्या? नहीं नहीं ठीक है, सॉरी आप सबको परेशान किया, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं लगी है तो बता दो। नहीं नहीं बस वो ठीक है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा। इतना तमाशा हो गया मासी, आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है बेटा, चल बाय, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी। भैया मुझे लगता है भाभी को ज्यादा लग गई, वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे कार्तिक जी। मुझे लगता है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरी मीटिंग। भैया कह दीजिए ना आप लेट हो जाएंगे और कोई और आपकी जगह मीटिंग अटेंड कर लेगा। कंपनी में मेरे बस का काम कोई और नहीं कर सकता कार्तिक, किसी के पास मेरी जैसी एक्सपर्टीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि मीटिंग में बैठ के अटेंड कर ली, तुम्हारे जैसा काम नहीं है मेरा कार्तिक। भैया मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। अभी तुम यही कह रहे थे। कार्तिक मैं ठीक हूँ, इनको रोकने की जरूरत नहीं है। आदित्य आप जाइए, आपकी जरूरी मीटिंग है। हाँ कार्तिक अधिक ठीक कह रहा है, उसकी जरूरी मीटिंग है, उसे जाने दो। और वैसे भी मंगल के साथ तो हम सब है ना, हम सब देख लेंगे कि डॉक्टर को दिखाना है या नहीं। तुम जाओ बेटा। थैंक्स अम्मा। आदित्य एक मिनट, वो आपकी जरूरी मीटिंग है, दही शक्कर खा के जाइए। मैं लाती हूँ। मैं लेकर आती हूँ। हाँ सौम्य, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। सॉरी मुझे जाना पड़ेगा।
मुझे ही पहले याद ही रहा था ये चक्कर खिलाना, देर कर दी मैंने। मम्मी खून, दिखाइए मम्मी कहाँ लगी है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं बेटा, बहुत चोट लगी आप चलिए। अरे कुछ नहीं है, हल्का सा लगा है। भाभी प्लीज चुप हो जाइए, ये देखो आराम से बैठिए। हाय कितनी चोट लगी है। आराम से भाभी, देखिए आपको काफी लग चुकी है और खून भी बहुत बह रहा है। अब आप कुछ नहीं कहेंगी और हम आपको डॉक्टर को दिखाएंगे, ओके। लक्ष्मी पट्टी है, प्लीज लेके आओ। मैं एंटीसेप्टिक भी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी आओ। अरे नहीं, कुछ ज्यादा नहीं लगी है, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंगल कार्तिक सही कह रहा है, डॉक्टर को दिखा देने दो ना। वैसे भी देखो इतना सारा काम बिखरा पड़ा है, कौन करेगा, और ऐसे समय पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना बेटा। आराम से, आराम से, बहुत गहरी चोट लगी है। आदित्य भैया को इन्फॉर्म करें क्या? सॉरी सॉरी यार, देर हो गई मुझे, इसीलिए ना मुझे घर जाने से डर लगता है। फुल ड्रामा कर रखा था मंगल ने, उसका सिर्फ नाम ही मंगल है, काम सारे अमंगल। कम से कम फाइल मिल गई यार। मैं जल्दी से चेक कर लेती हूँ। हाँ हाँ जस्ट चेक इट। देखिए चोट थोड़ी गहरी है, इसलिए इस पैर पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, आप एक दो दिन रेस्ट ले लीजिए प्लीज। सुना ना दीदी, पैर पर बिल्कुल जोर नहीं देना है। गहरी सांस लो गायत्री, क्या हुआ, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो गायत्री, सांस लो, सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। देखो गायत्री, इन्होंने बस ऐसे ही मजाक में कह दिया था, भूल जाओ, इनको कहा पता चलता है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं, इनकी बातों को भूल जाओ गायत्री, सब ठीक हो जाएगा। जी 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 जी, बहुत डर लग रहा है जी जी, कहीं कहीं एक माँ का श्राप सच हो गया तो। जी 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 कुछ बोलिए ना जी जी, सच में कोई लड़की आके मेरे कार्तिक को मुझसे दूर ना कर दे जी जी। थैंक्स सौम्या, तुम्हारी वजह से आज प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। लेट्स सेलिब्रेट। हम हमेशा यहीं सेलिब्रेट करने आते हैं, इट्स आवर फेवरेट एंड स्पेशल प्लेस। कम। ये क्या? कटहल? ये चाइनीज है। सरप्राइज। कटहल क्यों बनाया? मुझे नहीं पसंद। अगर आदित्य को नहीं पसंद तो क्यों बनाया? लक्ष्मी लगता है भाभी को कटहल पसंद नहीं है, तुमने गलत बता दिया। अरे नहीं, शादी के बाद पहली बार खाऊंगी। के भी जरूर खाना तुम। मुझे तो इतना पसंद है, इतना पसंद है कि रोज खाऊं। ये क्या,